राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे चार भाइयों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चंदन नगर में चार भाई रहते थे। चारों में से तीन का विवाह हो चुका था। सबसे छोटा माधव था, वह बहुत ही छोटा था। छोटा होने के कारण अपनी तीनों भाभियों का दुलारा था। सबसे बड़ी भाभी माधव से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी और एक माँ की तरह उसका पालन पोषण कर रही थी और हमेशा उसका ध्यान रखती थी। सभी लोग हमेशा प्रेम से रहते थे। चारों भाइयों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। बड़े तीनों भाई रोज़ घर से निकलकर जंगलों में जाते और लकड़ियाँ काट कर लाते, और तीनों भाभियाँ जो जल्दी सुबह उठकर घर का काम करती थी और उनका जो जंगल से लकड़ियाँ बेचते थे उसी से घर का गुजारा चलता था। और जो बड़ी भाभी थी वह माधव को नहलाने से लेकर उसका खाने खिलाने तक के सारे काम करती। बाकी की दोनों बहुएँ घर का काम करती थीं। बड़ी बहू माधव को लेकर उसके साथ समय बिताती थी। एक दिन तीनों भाई जंगल नहीं गए। इस बीच दोनों छोटे भाइयों ने देखा कि हमारी पत्नियां बड़ी भाभी से ज़्यादा काम करती हैं। बड़ी भाभी तो बस माधव को लेकर उसके साथ खेलती रहती है। यह सोचकर उन्होंने अपनी पत्नियों को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम दोनों ही क्यों इतना काम करती हो, बड़ी भाभी को क्यों नहीं बोलती, वह तो सारा दिन बस माधव के साथ रहती है, कुछ काम नहीं करती। तब दोनों छोटे भाइयों की पत्नियों ने गुस्सा करते हुए अपने अपने पति से कहा कि वह तो माधव को संभालती हैं बड़ी दीदी, आप देखते हो ना माधव कितना छोटा है, बहुत रोता है, उसको संभालते ही दीदी का सारा दिन निकल जाता है और हम दोनों मिलकर काम करती हैं, इससे तुमको क्या परेशानी है, हम प्रेम से रहते हैं और हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। यह सब दोनों अपने पतियों से बोली, परंतु वे दोनों भाई कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने इस बात की शिकायत अपने बड़े भाई से कर दी कि माधव के कारण बड़ी भाभी तो घर का कोई काम नहीं करती और हम दोनों की पत्नियां सारे दिन घर के काम में लगी रहती हैं और बड़ी भाभी बस आराम करती है। इससे तो अच्छा है भैया कि हम अलग हो जाएं और हमारी पत्नियों पर काम का ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। अब बड़े भाई ने देखा कि दोनों भाई उसके अलग होने की जिद कर रहे हैं और उसकी बात नहीं मान रहे हैं। फिर बड़े भाई ने कहा कि सुनो, तुम्हें अलग होने की ज़रूरत नहीं है, हम कल माधव को अपने साथ लेकर जंगल जाएंगे, वह भी हमारे साथ जंगल में बकरियां चराएगा। और जब सुबह हुई और तीनों भाई जंगल जाने के लिए खाना खाने बैठे तो बड़े भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि जाओ माधव को बुलाओ और उसे खाना खाने को कहो, क्योंकि आज वह भी हमारे साथ चलेगा। यह बात सुनकर बड़ी भाभी ने कहा कि देखो, अभी वह बच्चा है, अभी जंगल में कैसे आएगा, वह तो बहुत ही छोटा है। तीनों बहुएं कहने लगीं कि माधव को यहीं हमारे पास रहने दो, परंतु तीनों भाई नहीं माने और माधव को साथ लेकर जंगल चले गए। जंगल में जाकर उन्होंने माधव से कहा कि तुम बकरियों को देखो और तब तक हम लकड़ी काटते हैं, लेकिन याद रखना एक भी बकरी गायब नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हें वापस घर नहीं ले जाएंगे। छोटा माधव अपने भाइयों के इस बदले व्यवहार को समझ नहीं सका और उसने हाँ में सिर हिला दिया। बहुत देर तक सारी बकरियां ज्यों की त्यों थीं। तीनों भाइयों ने सोचा कि एक बकरी को क्यों ना कहीं दूर जाकर छोड़ आते हैं, तब उसे हम अपने साथ लेकर घर नहीं जाएंगे, फिर हमारी तीनों पत्नियां काम करेंगी, इसकी वजह से बड़ी भाभी भी परेशान नहीं होगी। यह सोचकर तीनों भाइयों ने एक बकरी को दूर एक खड्डे में छोड़कर आ गए।
माधव ने देखा कि उसकी एक बकरी गायब है, पर तब तक उसके भाई आ चुके थे। उसके भाइयों ने आकर कहा कि माधव, एक बकरी कहाँ है? तो माधव बोला, पता नहीं भैया, अभी तो यहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई है। और भैया, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, भैया कुछ खाने को दे दो या पानी ही दे दो। तीनों भाइयों ने माधव को डांट दिया और कहने लगे, एक तो तूने बकरी को गवा दिया और सोने लगा हुआ है, और अब तेरे को खाने के लिए भी चाहिए, जाकर पहले बकरी को लेकर आ, फिर तुझे कुछ खाने को मिलेगा। माधव फिर बोला, भैया मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा, अगर आप खाना नहीं दे रहे हो तो कम से कम मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, उसके बाद मैं बकरी ढूंढने चला जाऊंगा। पर तीनों भाइयों ने उसको डांटते हुए वहां से भगा दिया। और उसके जाने के बाद तीनों भाई मज़े से खाना खाने लगे। अब माधव रोते रोते उस बकरी को ढूंढने लगा। बकरी नहीं मिलने के कारण वह एक पेड़ के नीचे रोते रोते बैठ गया, और बहुत ज़्यादा थक जाने और भूख प्यास के कारण उसे जल्दी नींद आ गई। उधर उसके भाई उसको ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे, और उन्होंने वहाँ माधव को सोते हुए पाया। अब उन तीनों ने आपस में विचार किया, क्यों ना हम माधव को मार दें, क्योंकि यह हमारे लिए बोझ बना हुआ है। और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और माधव का सिर काट दिया, फिर एक गड्ढे में ले जाकर फेंक दिया और पत्तों से ढककर वापस आ गए। बड़ी भाभी उनकी राह देख रही थी। जैसे ही तीनों भाई घर पर आए तो बड़ी भाभी ने पूछा, माधव कहाँ है? क्योंकि बड़ी भाभी तो माधव में अपने बच्चे की तरह माधव को प्यार करती थी, वह उस पर अपनी पूरी ममता लुटाती थी तीनों भाभियाँ। पर तीनों भाई यह नहीं समझ रहे थे, वो तो सोचते थे कि तीनों पत्नियाँ अपने पतियों पर माधव की वजह से कम ध्यान देती हैं, इसलिए वो मन ही मन माधव से नफरत करने लगे थे। तभी बड़ी भाभी ने पूछा कि माधव क्यों नहीं आया, तुम्हारे साथ उसने खाना तो खा लिया ना? इस पर तीनों भाइयों ने कहा, हाँ उसने सबका खाना खा लिया, और अभी आते समय ही वह गांव में रास्ते में बच्चों के साथ खेलने में लग गया, फिर उन्होंने कहा कि शाम तक वापस आ जाएगा। माधव का इंतज़ार करते करते तीनों बहुओं को रात हो गई, पर माधव वापस नहीं आया। यह देखकर बड़ी भाभी ने सोचा कि मैं ही उसको लेकर आऊँगी, पर तीनों भाइयों ने उसे बाहर जाने से मना कर रखा था कि कोई भी माधव को लेने नहीं जाएगा। इस डर से बड़ी भाभी ने छुपते छुपाते हुए घर से निकलकर गांव में उसे ढूंढने निकल गई। वह जिसके भी घर जाती और माधव के बारे में उनके बच्चों से पूछती तो उस घर का बच्चा यही कहता कि हमने माधव को नहीं देखा। हर घर में हर बच्चों से पूछकर वह बड़ी परेशान हो गई। अब बड़ी भाभी रोती हुई जंगल की तरफ जाने लगी, और वह रोते रोते घूमते घूमते उसी स्थान पर पहुंच गई जहां पर तीनों भाइयों ने माधव को मारकर खड्डे में डाल दिया था। उसने देखा माधव का सिर कटा हुआ है और खड्डे में खून भर गया था। बड़ी भाभी ने जब माधव का कटा हुआ सिर देखा तो उसने माधव के सिर को अपनी गोद में लेकर बहुत ही जोर जोर से करुण भरे स्वर में वह रोने लगी। उसका रोना इतना बढ़ गया था कि कैलाश पर जो भगवान शिव और माता पार्वती चौंसर खेल रहे थे, तो उसकी जो दुखी आवाज़, जो ममता भरी आवाज़ में वो रो रही थी, तड़प रही थी, उसके रोने की आवाज़ माता पार्वती के कानों तक पहुंची। यह सुनकर माता पार्वती, जो कि वो तो ममता की देवी हैं, वात्सल्य से भरी हुई हैं, बोली कि इस भगवान शिव से, हे प्रभु, पृथ्वी पर कोई मनुष्य भारी संकट में है और वह विलाप कर रहा है, जरा एक पल ठहर कर उसके ईश्वर को सुनिए। तब भगवान से बोले, पार्वती तुम खेल जीतना चाहती हो, इसलिए हमें यह बातों में लगाना चाहती हो? तो माता पार्वती कहने लगी, नहीं भगवान, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको एक दाव के बदले दो दाव और खेलने का मौका दूंगी।
भगवान शिव ने सुना कि पार्वती, तुम्हारी बात सही है, पृथ्वी पर कोई औरत विलाप कर रही है। वह बहुत जोर जोर से दुख भरी आवाज़ में रो रही है। उसके रोने से माता पार्वती और भगवान शिव यह जानने के लिए व्याकुल हो गए कि आखिर वह औरत इतनी रात को क्यों रो रही है। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल और साथ में कमंडल ले लिया और वे दोनों पृथ्वी पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक औरत बहुत ही दुख भरी आवाज़ में विलाप कर रही है और सिर कटी लाश को लेकर जंगल में बैठी है। बड़ी भाभी की आंखों में आंसू और दुख में डूबी होने के कारण बड़ी भाभी भगवान शिव और माता पार्वती को देख नहीं पाई थी। भगवान शिव और माता पार्वती ने बड़ी भाभी के जो आगे गए और उसके द्वारा पकड़े हुए लाश की जो सात परिक्रमा की, जो माधव की लाश वो लेकर बैठी हुई थी, उसकी सात परिक्रमा की और फिर कमंडल से पानी माधव के मुंह में डाल दिया और त्रिशूल को उसके माथे पर टिका दिया। माधव उठकर बैठ गया और अपनी भाभी से बोला, भाभी माँ, मैं बहुत देर तक सोता रहा, अब चलो मुझे घर जाना है, नहीं तो मेरे भैया मुझ पर गुस्सा करेंगे और घर से निकाल देंगे। बड़ी भाभी माधव को लेकर घर की तरफ चल दी। घर पहुँचते ही बड़ी भाभी ने कहा कि अगर हम दोनों साथ में गए तो तुम्हारे भाई गुस्सा करेंगे, इसलिए पहले मैं जा रही हूँ और मेरे पीछे तुम आ जाना। इसी तरह बड़ी भाभी घर के अंदर चली गई और कुछ देर बाद माधव भी घर में चला गया। माधव को देखते ही तीनों भाई बहुत चक्के रह गए और गुस्से में लाल होते हुए बोले कि हमने तो इसे मार दिया था, फिर यह जीवित होकर कैसे वापस लौट आया? अगली बार हम इसे इस तरह मारेंगे, यह जीवित नहीं हो पाएगा। ऐसा कहकर वो तीनों आपस में चर्चा करने लगे, अगली बार हमें क्या करना चाहिए। इस बार उन्होंने सोचा कि हम रात को ही माधव का तकिए से मुंह दबाकर मार देंगे। बड़ी भाभी उन तीनों के नीच योजना को सुन रही थी, इसलिए बड़ी भाभी ने खुद से कहा कि वह हर हाल में अपने बच्चे माधव को बचा कर रहेगी। रात के वक्त जब सभी लोग खाना खाने पहुँचे तब दोनों भाइयों ने पूछा कि जंगल में माधव है ने जो खाना खाया था या नहीं, तो तीनों भाइयों ने कहा था कि माधव तो हमारा भी खाना खा गया था। इस पर दोनों भाभियाँ खिलखिलाकर हंसी, परंतु बड़ी भाभी नहीं हंसी थी क्योंकि उसे जंगल में हुई घटना के बारे में पहले से ही पता चल गया था कि कैसे उसके भाइयों ने माधव को धोखे से मार दिया था। खाना खाने के बाद जब सभी लोग सोने चले गए तो माधव अपने कमरे में गया और तीनों भाई एक कमरे में गए ताकि वो रात को माधव को मारने चले जाएं। इस तरह सभी के सो जाने के बाद माधव के कमरे में तीनों भाई चुपके से घुस गए और तकिए से उसका मुंह दबाने लगे। माधव कुछ देर छटपटाकर फिर शांत हो गया। इसे तीनों भाइयों ने समझा कि माधव अब मर चुका है, परंतु बड़ी भाभी इस सब को जानती थी और जानने के कारण उसने माधव को पहले ही समझा दिया था कि माधव आज उल्टे पैर होकर सोएगा, वह जिस सिर की जगह पैर रखे और पैर की जगह सिर, क्योंकि तीनों भाइयों ने माधव के पैरों को ही दबाया था। इस तरह जो माधव उनकी दूसरी चाल से भी बच गया था। अगली सुबह जब उन्होंने सोचा कि माधव तो मर गया होगा और घर में मातम का माहौल होगा, लेकिन वो क्या देखते हैं, माधव तो जीवित है। यह देखकर तीनों भाई को बहुत क्रोध आया और फिर उन्होंने तीसरी योजना बनाई। वो तीनों माधव को नदी पर मछली पकड़ने के बहाने लेकर जाएंगे और उसे वहीं मार देंगे। इस तरह वह सुबह उठकर मछली पकड़ने जाने के लिए तैयार होने लगे। जब सारी तैयारियां कर लेने के बाद जब तीनों भाई खाना खाने के लिए बैठे तो उन्होंने माधव को भी अपने पास बुलाया और कहा कि वे चारों भाई मिलकर मछली पकड़ने जाएंगे।
इस पर बड़ी भाभी कहने लगी कि माधव अभी छोटा है, उसे अपने साथ लेकर मत जाओ, उसे यहीं रहने दो। इस तरह तीनों बहुओं ने भी उनसे यही कहा, परंतु वे तीनों भाई कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा कि माधव केवल उनके पीछे पीछे मछलियों को पकड़ता हुआ चलेगा। इस पर दोनों बहुएं मान गईं, पर बड़ी भाभी ना चाहते हुए भी उसे माधव को उनके साथ भेजना पड़ा। वे कहने लगे कि हम चारों भाई नदी में पहुँचे और मछली पकड़ने लगे। इस बीच भाइयों ने मौका देखकर माधव से कहा कि यह जो थोड़ी इसी जगह है, जगह छोटी है और इस पत्थर के नीचे जो हमारे हाथ नहीं जा रहे हैं, तुम सबसे छोटे हो इसलिए शायद तुम्हारा हाथ इस पत्थर के नीचे जा सकता है, इसलिए तुम इसके नीचे जाकर उन मछलियों को पकड़ लो, हम यहीं पत्थर उठा लेंगे। तीनों भाई मिलकर पत्थर उठा लेंगे और तुम जल्दी से मछलियों को उठा लेना। अब माधव अपने भाइयों की चाल से अनजान था और वह पत्थर के नीचे घुसने के लिए राजी हो गया और नीचे घुसने ही लगा पत्थर के कि उसके थोड़े अंदर जाते ही तीनों भाइयों ने पत्थर को छोड़ दिया, जिसके नीचे माधव दब गया और बिना कुछ कहे ही मर गया। माधव के मर जाने के बाद तीनों भाई खुश हो गए और खुशी खुशी घर लौट आए। पिछली बार की तरह घर पर बताने लगे कि माधव बाहर खेलने गया है। आते समय उसे रास्ते में कुछ बच्चे मिल गए थे, उनके साथ खेलने के लिए रुक गया। बड़ी भाभी बोली, मैं माधव को ढूंढ कर आती हूँ, परंतु तीनों भाइयों ने उसे वहाँ जाने के लिए मना कर दिया और कहा कि वह खुद आ जाएगा। इस पर बड़ी भाभी चुप हो गई, वह उनके आगे कुछ नहीं कह सकी। परंतु कुछ देर इंतजार करके बड़ी भाभी को फिर शक हुआ कि जरूर तीनों भाइयों ने माधव को कुछ कर दिया है, इसलिए वह अभी तक लौट कर नहीं आया। इसलिए बड़ी बहू कहने लगी कि मैं जाकर एक बार माधव को देखकर आती हूँ। यह कहकर बड़ी बहू घर से निकल गई और माधव को ढूंढते ढूंढते नदी पर पहुँच गई। तब उसने देखा माधव एक बड़े से पत्थर के नीचे दबकर मर चुका है। इस पर बड़ी भाभी फिर वहीं माथे पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना इतना दर्द भरा था कि माता पार्वती और भगवान शिव वहाँ पर आ गए। पिछली बार की तरह इस बार भी उन्होंने माधव को जीवित कर दिया। जीवित होते ही माधव उठकर बैठा और अपनी भाभी से कहने लगा, भाभी मैं तो बहुत देर तक सोता रहा, अब मुझे घर जाना चाहिए। माधव का ऐसा कहने से बड़ी भाभी रो पड़ी। उसने इस बार उसे बता दिया कैसे उसके भाइयों ने उसे इस पत्थर के नीचे दबा दिया था। बड़ी भाभी रो रही थी और उसने इस बारे में माधव को बता भी दिया था। वह माधव को बताती है कि तीनों भाई उसे मार डालना चाहते हैं। माधव डर गया और वह कहने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी बड़ी भाभी माधव से कहने लगी, माधव तुम यह शहर छोड़कर चले जाओ। और अपनी भाभी की बात सुनकर उसे अपनी भाभी की बातों पर यकीन नहीं हुआ कि वह उस शहर से बहुत दूर चला जाए। तभी बड़ी भाभी बोली, हाँ माधव इसी में भलाई है कि तुम यह नगर छोड़ दो। बड़ी भाभी घर लौट आई और माधव किसी दूसरे नगर में पहुँच गया और वहाँ पहुँचकर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। फिर कुछ देर बाद उसे प्यास लगी तो वह तालाब के पास जाकर पानी पी लेने लगा। पानी पीकर जब वह वापस लौटा तो देखा कि एक सैनिक दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसे पकड़कर अपने साथ राजमहल ले गया। वह माधव से कहता है, राजा की जमीन का तालाब है, इस तालाब से कोई पानी नहीं पी सकता, इसलिए तुम अपराधी हो और तुम्हें राजा के पास पेश किया जाएगा। माधव और ज़्यादा घबरा गया और फिर भी साहस करके राजा के पास चला गया। राजा अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत चिंतित थे और सभा में बैठे हुए रहते थे और तरह तरह के विचार विमर्श करते रहते थे। दरअसल राजा की बेटी अंधी थी, परंतु वह बचपन से अंधी नहीं थी। उसकी आँख
में पेड़ का चिपचिपा पदार्थ गिर जाने के बाद वह अंधी हो गई थी और राजा इस बीमारी का इलाज नहीं करा पाए। कोई वैद्य, कोई हकीम और दूर दूर तक के वैद्य हकीम बुलाए, कोई भी राजकुमारी को ठीक नहीं कर सका। इस तरह राजा ने घोषणा की थी कि कोई भी जो बिन राजकुमारी की आँख को ठीक कर देगा उसे राजकुमारी का विवाह उससे कर दिया जाएगा। परंतु अभी तक जितने लोगों ने प्रयास किया था वे सब विफल रहे थे। इस बीच सैनिक माधव को लेकर राजमहल पहुंच गया और सारे घटनाक्रम को राजा को बता दिया। राजा यह सब सुनकर कहता है इस अपराधी को दंड अवश्य मिलेगा क्योंकि इसने बिना इजाज़त के पानी पिया है, इसने पाप किया है, इसे इसके पापों का फल अवश्य मिलेगा। अब माधव और डर गया और राजा से विनती करने लगा कि महाराज उसे छोड़ दें। राजा माधव से कहता है कि वह एक शर्त पर उसे छोड़ सकता है, यदि उसकी राजकुमारी की आँखों को वह ठीक कर दे। माधव सहमत हो गया और वह राजकुमारी की आँखों को देखता है और वह समझ गया कि इसका इलाज क्या है। वह तुरंत जंगल में गया और एक बड़े से पेड़ पर चढ़ गया। वहाँ एक कौवा कौवी का घोंसला था और कौवी ने अंडे दे रखे थे और अपने अंडों को छोड़कर दाना चुगने गई थी। उसने कौवी के अंडे लिए और जो माधव राज्य में वापस लौट आया और उन अंडों को जो माधव ने राजकुमारी की आँखों पर लगा दिया। कुछ समय पश्चात राजकुमारी की आँखें धोकर खोलने को कहा। राजकुमारी की आँखें पूरी तरह ठीक हो गई थी और फिर से दिखने उसे लगा था। राजा यह देखकर बहुत खुश हो गया था। वह पूरे राज्य में राजा ऐलान करवा देता है कि वह अपनी बेटी का विवाह माधव से कराएगा। यह सुनकर माधव प्रसन्न हो जाता है। कुछ दिनों के पश्चात उनका विवाह हो जाता है और वह अपने जीवन में खुशी से रहने लगता है। उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इधर माधव के जाने के कुछ दिन बाद तीनों भाइयों के घर में अकाल पड़ जाता है। तीनों भाइयों और भाभियों के पास कुछ नहीं बचता। उनके पास जो पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ नहीं होता। अब वे लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं। तीनों भाई अपना जीवन यापन करने के लिए जंगल से लकड़ी लेकर बेचने निकल जाते हैं। वे अपने नगर में घर घर जाकर लकड़ियों के लिए पूछते हैं पर कोई भी उनसे लकड़ी नहीं खरीदता है। अब तीनों भाई सोचते हैं उन्हें दूसरे नगर जाकर लकड़ियों को बेच आना चाहिए। इस तरह तीनों भाई लकड़ी बेचने के लिए माधव के नगर में पहुंच जाते हैं। वहाँ वे घर घर जाकर लकड़ियों के लिए पूछते हैं लेकिन वहाँ भी उनकी लकड़ियाँ लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। वे तीनों भाई और तीनों भाभियों का अब जो भूख से बहुत बुरा हाल हो गया था, भूख से बेहाल हो गए थे। और घूमते घूमते ही वो एक बुढ़िया के घर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे भाई, हम बहुत भूखे हैं, इन लकड़ियों के बदले हमें कुछ दे दो। तो वह बूढ़ी औरत कहती है कि मैं तुम्हें इन लकड़ियों के बदले में बासी खाना दे सकती हूँ। वो इस सब के लिए भी तैयार हो जाते हैं और बासी खाना लेकर तीनों भाई वहाँ से चले जाते हैं और एक जगह बैठकर खाना खाने लगते हैं। परंतु जैसे ही वह एक निवाला खाने को होते हैं कि एक कुत्ता आकर उन पर से वह खाना झपट लेता है और उनका खाना छीन लेता है। इस तरह से तीनों भाई फिर से भूखे रह जाते हैं। पर एक बार फिर तीनों भाई लकड़ियों का गट्ठर लिए शहर की तरफ चल देते हैं। चलते चलते वे माधव के नगर के वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ नगर में माधव का महल था। वहाँ पहुँच कर वे दासियों से प्रार्थना करते हैं, बहुत अनुरोध करते हैं कि इन लकड़ियों के गट्ठर को ले लो और बदले में कुछ खाने को दे दो। पर वे दासियाँ कहती हैं कि हम अपने राजा से इस बारे में पूछ कर आएंगे। वे जाकर राजा को सारा हाल बता देती हैं। राजा जब बाहर झाँक कर देखता है जो कि माधव होता है,
वह अपने भाई और भाभियों को पहचान लेता है। फिर वह उनके पास खुद को छिपाकर पहुंचता है और वहां पहुंचकर कहता है कि मैं तुमसे ये लकड़ियों का गट्ठर ले लूँगा और बदले में तुम्हें जो चाहिए वह भी दूँगा, परंतु तुम्हें मुझे एक कहानी सुनानी होगी। इस कहानी में वे तीनों भाई कहते हैं कि हम कहानी नहीं जानते, हम कैसे कहेंगे कहानी, हम कहानी कहनी हमें नहीं आती, हम कैसे कहेंगे। तब माधव कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और तुम्हें वह कहानी सुननी है। यह कहकर माधव अपने जीवन की जो उसके भाइयों ने उसके साथ किया था वह कहानी सुनाने लगता है और बीच बीच में कहता है क्या तुम सब सुन रहे हो। तो वे तीनों भाई कहते हैं कि हम सुन रहे हैं, और तीनों भाई कहते हैं कि यह कहानी तो हमारी ही है। इस तरह बताते सुनते कहानी ख़त्म हो जाती है और वो तीनों भाई समझ जाते हैं कि उन्होंने अपने छोटे भाई को कितने दुख दिए थे, और तीनों भाइयों को एहसास हो जाता है कि हम तीनों से बड़ा पापी कोई नहीं है, हम तीनों ने बहुत बड़ा पाप किया है। और यह कहानी सुनकर तीनों भाई रोने लगते हैं। उनको रोता हुआ देखकर माधव कहता है, भैया आप लोग रोए नहीं, मैं जीवित हूँ और ठीक ठाक हूँ। मुझे खुशी है कि आप लोगों को जो अपनी गलतियों का एहसास है। इस तरह वे चारों भाई और उनकी पत्नियाँ जो खुशी खुशी एक साथ फिर रहने लगते हैं, क्योंकि माधव राजा बन जाता है तो वह अपने भाइयों और भाभियों को अपने पास रख लेता है। उन चारों भाइयों में फिर से प्रेम बढ़ जाता है, और भाभियाँ तो माधव को पहले से ही बहुत प्यार करती थीं। बड़ी भाभी तो उसकी बिल्कुल माँ जैसे प्यार करती थी। तीनों भाभियाँ भी माधव को पाकर खुशी से फूला नहीं समाती हैं और फिर सब मिलकर हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं, और उनका हमेशा प्रेम बना रहता है। उनका प्रेम एक सीख बनता है कि कैसे भाई को धोखा नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।